Good morning, kids. Good morning, sir. How are you? I'm fine, sir. देखो नीचे दी गई नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें बच्चों के पास कुछ सेब हैं। तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। अब देखो ये बच्चों के नाम है, चार बच्चे हैं, उनके पास कुछ कुछ क्या है, ये सेब हैं। सबसे ज्यादा सेब किसके पास है बताओ? राधा के पास। गीता, सुनील व राजा के पास कुल मिलाकर कितने सेब है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? जोड़। किस किस को? गीता, सुनील और राजा। जोड़ो जरा, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11, कितने सेब है उनके पास? 117। राधा के पास गीता से कितने अधिक सेब है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? घटाओ। किस में से किसको? 67 में से 28 को। वेरी गुड, 67 में से 28 को घटाओ, 17 में से 8 गया, 8 में से हासिल लेना पड़ेगा जी। हाँ, तो लो 6 में से हासिल लिया 17। हाँ, नाइन। और यहाँ पे 6 में से वो 4, 3, 3। तो कितने सेब है उसके पास? 39 सेब उसके पास क्या है? ज्यादा। 1 किलो पॉपकॉर्न और 1 किलो चीनी में कौन भारी होगा? 1 किलो चीनी। क्यों? क्योंकि पॉपकॉर्न ज्यादा होते हैं पर उनका वजन ज्यादा नहीं होता। वेरी गुड। पर चीनी कम भी होती है तो उनका वजन बहुत ज्यादा होता है, वो छोटी छोटी होती है। वर्ष 2019 में फरवरी माह में कितने दिन है? वर्ष 2019 में फरवरी 28। एक मेंढक एक छलांग में 4 कदम कूदता है तो 5 छलांग में कितने कदम कूदेगा? 5 छलांग। एक छलांग में 4 कदम कूदता है वो, तो 5 छलांग में कितने कदम कूदेगा? 20। कितने? 20। निम्न में सम संख्या है, कौन सी है सम संख्या इसमें से? सम संख्या जोड़े वाली 6। 6 लीटर की बाल्टी को 2 लीटर के मग में कितनी बार भरा जा सकता है? 3। ये अब इसमें क्या हो गया, अगली संख्या 4, 8, 12, 16। अगर आपके पास 9 केले हैं उन्हें 3 मंदिरों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने केले मिलेंगे? 3। 50 रुपए में 5 रुपए के कितने नोट होंगे? 10। संख्या 35 से संख्या 27 कितनी कम है? 35 में से 27। हाँ, कितनी कम है? 27। घटाओ 35 और 27। 27 से 35 तक गिनो ना, अभी पता चल जाएगा। 27 से 35 तक गिनना है। रॉन्ग, 10 तो है ही नहीं कहीं आंसर। 27 से 35 तक गिनो ना, देखो 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35 कितने हुए? 8। निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, ये जोड़ने हैं। देखो ये इसके ऊपर है, ठीक है, ये वाला ऐसे है, जोड़ो। कितना आएगा? 5 और 7 12। 1 कैरी, जोड़ो ना फटाफट। 10। 6, 7, 8, 9। अब देखो इसको में से घटाओ, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 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 7 में 7 गया, 7 में 6, ठीक हो गया। निम्न में चित्र में कितनी त्रिकोणीय आकृतियां हैं? 5। देखो 1, 2, 3, 4 और एक पूरी, ठीक है, कितनी? 5। पटरी की सहायता से 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड की जो खींच लोगे, 7 सेंटीमीटर की लाइन क्या है ये, शब्दों में लिखिए, कितना है ये? 868। निम्न त्योहारों की तिथियों को क्रमवार लगाइए, कैसे करोगे इसे?
पंद्रह सबसे पहले क्या आएगा? 26 जनवरी 26 जनवरी फिर 15 अगस्त फिर 2 अक्टूबर 25 दिसंबर घड़ी का चित्र बनाकर 8:30 समय दर्शाइए। सबसे यहाँ पर क्या आता है टॉप में? 12 6 6 3 3 9 4 5 1 2 7 8 10 11 अब बताओ 8 बजे में छोटी सुई कहाँ पे बनानी है? छोटी सुई 6 6 6 8 8 और बड़ी 6 10 6 6 ठीक हो गया। एक किताब में 74 पन्ने हैं, ऐसी 7 किताबों में कितने पन्ने होंगे? क्या करना पड़ेगा? एक बुक में तो एक बुक में 74 पन्ने हैं, तो ऐसी 7 बुक्स में कितने होंगे? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? गुणा कर दोगे? अब देखो सीमा के पास कितने रुपए हैं? 310 रुपए हैं। उसने 125 रुपए की एक किताब खरीदी, अब उसके पास कितने रुपए बचे? क्या करना पड़ेगा? बचे वो जोड़ घटाना 310 में से 125 को घटाना। राधिका के जन्मदिन पर उसकी दादी ने 51 रुपए, माँ ने 101 रुपए और पिताजी ने 251 रुपए दिए। राधिका के पास कुल कितने रुपए हो गए? क्या करना है? जोड़ 51, 101 और 251 को जोड़ना है। एक अलमारी में 210 किताबें हैं, अलमारी में 6 खाने हैं, प्रत्येक खाने के बराबर किताबें हैं, बताओ एक खाने में कितनी किताबें होंगी? बांटना है, क्या करना पड़ेगा? बांटने के लिए क्या करते हैं हम? बांटने के लिए भाग, 6 से भाग देना है किसमें? 200। स्कूल की प्रार्थना सभा में बच्चों की 12 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 25 बच्चे हैं, तो स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं? क्या करना है इसके लिए? जोड़ घटाओ गुणा। एक लाइन में देखो ना, एक 12 तो उसमें टोटल लाइनें हैं और एक लाइन में 25 बच्चे हैं, तो टोटल के कितने बच्चे हैं? टोटल गुणा करना है इसको। कर दोगे गुणा? यस सर। ठीक है।